हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिस्किट से बहुत ही स्पॉन्जी बहुत ही टेस्टी ये केक की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ बिस्किट से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही स्पंज बहुत ही सॉफ्ट ये केक बनकर तैयार होता है। फ्रेंड्स ये देखिए, इसे बिस्किट से बनाकर हमें तैयार किया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पॉन्ज है। प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स सो लेट्स स्टार्ट दिस रेसिपी। यहाँ पर मैंने ले लिया है हैप्पी हैप्पी बिस्किट्स। अब इसे हम फाड़ कर एक बाउल में निकाल लेते हैं। चलिए फटाफट ये लीजिए, यहाँ पर बिस्किट को फाड़ कर निकाल लेंगे। यहाँ 2 पैकेट मैंने बिस्किट लिया है, 10 रुपीज़ वाली बिस्किट है। इसे तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद हम इसे जार में डाल देंगे। मिक्सी जार में इसे हम पहले पीस कर एकदम पाउडर तैयार करना है हमें, तभी हमारा केक बनकर रेडी होगा। ये देखिए एक जार ले लिया है मैंने, यहाँ पर बिस्किट को तोड़ के डाल देंगे और अच्छे तरीके से यहाँ पर एकदम पाउडर होने तक पीस लेंगे। फ्रेंड्स तो ये लीजिए, मैंने पीस लिया है इसे। अब इसे थोड़ा सा मीठा बनाने के लिए ऑलरेडी बिस्किट में चीनी होता है, यहाँ पर सिर्फ 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ पर शक्कर। ये लीजिए थोड़ा सा डाल देंगे बस यहाँ शक्कर, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं चाहिए हमें। ये देखिए अब इसे फिर से हम पीस लेंगे। तो ये देखिए चीनी को मैंने पीस लिया अच्छे तरीके से बिस्किट में, यहाँ बाउल में निकाल लेंगे जिस बाउल में हमने बिस्किट निकाली थी। यहाँ पर हमने पाउडर को निकाल लिया पीस के। अब इसको हम एक बैटर तैयार करेंगे। यहाँ पर दूध डाल रही हूँ मैं, दूध डालते हुए यहाँ पर अच्छे तरीके से हम बैटर को एक थिक बैटर हम तैयार करेंगे। चलिए अच्छे तरीके से फेंटते हुए हम बैटर को तैयार कर लेते हैं। केक बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप किसी में भी कढ़ाई में ओवन में बनाकर तैयार कर सकते हैं फटाफट। ये देखिए थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हम थिक बैटर तैयार कर लेंगे। ये लीजिए कुछ इस तरीके से हम बैटर को बनाकर तैयार कर लेते हैं। अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बैटर को तैयार कर लिया, ये देखिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ये देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लेवर के डाल ये के लिए डाल रही हूँ मैं, फ्लेवर के लिए पाइन एप्पल यहाँ पर एसेंस डाल रही हूँ। इसे केक में हमारे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखिए यहाँ पर बैटर को मैंने तैयार कर दिया है। अब यहाँ पर एक इनिश इसे डाल रही हूँ, फिर देखिए एक पाउच में डाल रही हूँ यहाँ पर। इससे हमारा जो केक है बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही जालीदार बनकर रेडी होगा। अच्छे तरीके से फटाफट इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है बैटर को। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, इसमें मैं बेक करूंगी केक को। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग पेपर लगा दिया है काट के, इसमें बैटर को पूरा डाल देंगे और इसे मैं ओवन में बनाने वाली हूँ। ओवन में 25 से 30 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगा प्री हीट पे। तो चलिए यहाँ पर केक को मैंने डाल दिया है, ऊपर से यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसे 20 से 25 मिनट के लिए मैं यहाँ पर ओवन में डाल रही हूँ। प्री हीट पे रखूंगी मैं 180 डिग्री सेल्सियस पे। आप इसे चाहें तो कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट पे रखी है। फ्रेंड्स तो यहाँ पर मेरा केक बेक हो चुका है, आप देख सकते टोटल 30 मिनट लगा है इसे बेक होने में। ठंडा कर लिया है मैंने, ठंडा होने के बाद ही इसे निकालें, साइड से पहले कॉर्नर से इसे छुड़ा लें किसी चीज़ से और इसे अब हम पलट लेते हैं। देखिए बहुत ही ईजिली ये केक निकल कर तैयार हो जाएगा। ये देखिए केक हमारा निकल चुका है, ऊपर से हमें बेकिंग पेपर हटा देंगे। तो ये लीजिए हमारा सॉफ्ट सा एकदम जालीदार बिस्किट केक बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये केक बनकर तैयार हुआ। फ्रेंड्स बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार रेसिपी है। ये देखिए मैं आपको काट कर दिखा देती हूँ कितना ज़्यादा स्पॉन्ज ये केक बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए दोस्तों
ये हमारा बढ़िया सा केक बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्किट से आप इतना टेस्टी सा केक बनाकर तैयार कर सकते हैं इजीली। ये देखिए, ये हमारा मज़ेदार सा बिस्किट का केक तैयार है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड।